हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की क्लास में पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी और बहुत सारी मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसको कनेक्ट किया हमने वोल्टेज V1 की बैटरी से, ठीक है, कैपेसिटेंस C1 है इसकी। दूसरा कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया हमने वोल्टेज V2 की बैटरी से, ठीक है। तो बताओ इस पे इनिशियल चार्ज कितना होगा, ये प्लस ये माइनस, अगर इसे चार्ज किया तो मैक्सिमम चार्ज पे कितना हो जाएगा, Q1 C1 V1, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा बताओ बच्चों, Q2 C2 V2, ठीक है, C2 V2, भाई कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, क्लियर है। अब देखो इन दोनों को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसकी ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऑब्वियसली ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ऐसे, ठीक है, ये C1, ये C2, ठीक है, और ये ऐसे जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, मतलब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट करिए, नेगेटिव नेगेटिव से। ऐसा रिवर्स भी हो सकता है कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ठीक है, फिलहाल ऐसे किया है। तो जैसे टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा करोगे तो टी इक्वल टू जीरो पे तो चार्ज वही होगा जो इनिशियल है, ठीक है, -Q1 +Q2 -Q2, ठीक। लेकिन जब इन्हें कनेक्ट कर दोगे आप तो चार्ज धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये दो कैपेसिटर आपने ऐसे पैरेलल में लगा दिए, और जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, अपना वोल्टेज सेम माना जाता है, यानी कि ये सेम वोल्टेज करने की कोशिश करेंगे, तो चार्ज इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक टाइम पे कुछ देर बाद इसका और इस दोनों का पोटेंशियल एक ही हो जाएगा, मतलब जैसे यहाँ दो पॉइंट लो, VA -VB इस VC के बराबर है, VC इज कॉमन पोटेंशियल, और उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस हो जाएगा, यानी कि अब चार्ज भी नया हो जाएगा कुछ, है ना भाई, कोई नया चार्ज आएगा। तो मैं इसे कहता हूँ कि इस पे चार्ज आया Q1 -Q1, और इस पे कितना आया Q2 -Q2, ठीक है, नया चार्ज आएगा कोई। तो हमें ये पता करना है कि ये नया चार्ज कितना है, ठीक है, और ये नया पोटेंशियल कितना है। अभी पोटेंशियल इसका कितना है, V1, इसका V2, लेकिन अब दोनों पे पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल आ गया, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस VC है और इसका भी, मतलब जैसे मैं यहाँ 1 2 दो पॉइंट ले लूँ तो V1 -V2 VC, यहाँ पे दो पॉइंट ले लो 3 V और 4 V2 V3 -V4 वो भी VC है, तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है भाई, कनेक्ट कर रखे हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे हालात ये थे, तो हमें नया पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे पता करें, देखो एक क्वांटिटी है जो कंजर्व होगी, दैट इज टोटल चार्ज, तो इनिशियल टोटल चार्ज, अच्छा इसको हटाया था, Q1 + Q2 क्या इस्तेमाल किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो बच्चा Q1 कितना होगा, C1 V1 C2 V2, ठीक है, और नया पोटेंशियल C1 VC C2 VC, वह नया चार्ज कितना होगा Q1 C1 VC C2 VC, ओ ओ ओ ठीक है। तो VC कितना आ जाएगा, C1 V1 +C2 V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है, ये नया पोटेंशियल आ गया, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर अब मैं आपसे कहूं कि ये तो नया पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन पोटेंशियल। अब मैं इस मिटा दूं डायग्राम को इतने को, चलो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, यहां पे लिख देता हूं VC इज कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक। देखो बच्चों, अब फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है,
ऑन सी वन लिख देते हैं तो कितना होगा बच्चों, क्यू वन डैश, दैट इज सी वन वी सी। तो सी वन आपको पता है दे रखा होगा, वी सी क्या होगा, ये पोटेंशियल यहां रख के नया चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही इस पे दूसरे वाले पे क्यू टू डैश, वो कितना होगा, सी टू वी सी, ठीक है, फाइनल चार्ज आ जाएगा। तो अब इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल मिलता है तो आप ऐसे फाइनल चार्ज पता कर सकते हो। लेकिन जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो कुछ हीट लॉस होती है, तो यहाँ एक का चार्ज ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि कम वोल्टेज वाले पे चार्ज जाएगा, तो यानी कि उसकी चार्जिंग होगी, तो क्या उस दौरान हीट लॉस हो सकता है, तो देखते हैं। देखो, हीट लॉस ड्यूरिंग, हीट लॉस को डेल्टा एच लिख लेते हैं, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। बच्चे स्कूल में भी आ जाता है कई बार डेरिवेशन, तो डेल्टा एच इक्वल टू हाफ, देखो इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की और टोटल फाइनल एनर्जी है। तो देखो इनिशियल एनर्जी, इसकी कैपेसिटर अगर ऐसे कनेक्ट था ये, तो कितनी एनर्जी थी इसके पास, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर। ऐसी इस पे कितनी एनर्जी थी, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है, ये तो इनिशियल माइनस, ठीक है। अब कितनी एनर्जी होगी दोनों पे, इनके पोटेंशियल पता है हमें, तो टोटल एनर्जी होगी हाफ सी वन वी सी स्क्वायर, हाफ सी टू वी सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा। देखो अब यहां कर लेते हैं, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। देखो बच्चों, माइनस हाफ सी वन प्लस सी टू, देखो वी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है, वी सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना। अब देखो वी सी क्या है, ये रहा, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह रख दूं यहां पे, ठीक है, तो वी सी की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा सी वन वी वन, सी वन सी टू वी टू, सी वन ऐसे, ठीक है। तो सी वन प्लस सी टू होल स्क्वायर है ना, तो कट जाएगा ऐसे, एक कट जाएगा एक रहेगा, क्लियर है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ अब, तो ये स्क्वायर हो गया और ये एक सिंगल बचेगा, मतलब टू कट जाएगा, तो सी वन प्लस सी टू होगा। अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, ठीक है, देखो हाफ तो कॉमन ले लिया पूरे से, और एलसीएम लेंगे सी वन प्लस सी टू ऐसे, सी वन वी वन स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू, सी टू वी टू स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू, और माइनस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी और दोनों जगह टोटल में आ जाएगा सी वन प्लस सी टू डिवाइड में, देख रहे हो बच्चों, मतलब ये सी वन प्लस सी टू एक बचेगा ना, वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी और इससे भी, तो नीचे एलसीएम में आ गया ये, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ठीक है, सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लें, वी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, और प्लस माइनस, और एक माइनस ही, देखो ये प्लस है ना, प्लस सी वन सी टू का होल स्क्वायर, तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू ऐसे हो जाएगा, और एक माइनस भी है ना मल्टीप्लाई में, अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। तो देखो बच्चों ये टर्म कट गया किससे, ऐसे सी टू वी टू स्क्वायर, ये रहा सी टू स्क्वायर है, ये कट गया, ठीक है। अब देखो अब जगह कम है तो अब हम ऊपर लिखते हैं, इसमें कहाँ लिखे बच्चों, यहां लिख लेते हैं, देखो डेल्टा एच इक्वल टू हाफ
सी वन सी टू, देखो इस पूरे से यहां पे सी वन सी टू, यहां पे सी वन सी टू, यहां पे सी वन सी टू कॉमन आ गया ना, अंदर देखो क्या बचेगा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, देख लो वी वन वी टू, ये माइनस टू और ये वी वन स्क्वायर और ये वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो डेल्टा एच आ गया हाफ सी वन सी टू, ये वी वन ऐसे, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से टोटल चेंज इन मतलब हीट प्रोड्यूस आ गया। ये क्या करा है मैंने, देखो मुझे लिखना चाहिए था माइनस वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा, ये ज्यादा बेटर तरीका है। मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी घटानी है, हमें क्या पता भाई वी वन छोटा है वी टू बड़ा है, तो बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ जाएगा चार्ज, ठीक है। अगर देखो ये हमें पूरा मतलब हमें समझ में आ गया कि इतनी हीट लॉस होगी इसके चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि जैसे ये पॉजिटिव प्लेट थी नेगेटिव और इनको ऐसे जोड़ा है उल्टा करके, देखो पॉजिटिव प्लेट है इसकी और इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, पहले कैसे जोड़ा था सेम पोलैरिटी की प्लेट जोड़ी थी उल्टा, तो इस केस में और वी वन वोल्टेज है वी टू, तो फाइनल तो एक ही हो जाएगा, जो भी होगा एक ही साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर प्लस आया तो इधर भी प्लस, माइनस माइनस तो नया पोटेंशियल। तो जब आप इसे चेक करोगे तो यहाँ ना माइनस आ जाएगा ऐसे, यहाँ भाई कोई एक तो माइनस होगा ना, एक चार सौ नेगेटिव होगा ना दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में यहाँ क्या करना है बच्चों, प्लस के बजाय माइनस, ठीक है, नीचे प्लस ही रखना है। तो अगर ध्यान देना है, अगर आपको बोला कि कैपेसिटर चार्ज करके डिस्कनेक्ट करके दोबारा आपस में कनेक्ट करें तो उनकी पोलैरिटी अगर उल्टा जोड़ी है तो कॉमन पोटेंशियल में यहाँ माइनस आएगा, नीचे प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन आया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, अ कैपेसिटर, अब मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ बोलता हूँ आपको, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड, ठीक है, चार्ज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड देन डिसकनेक्टेड, एंड देन डिसकनेक्टेड, फाइनली इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, अनचार्ज्ड कैपेसिटर यानी कि कभी उस पर चार्ज किया ही नहीं उसको, यानी कि कोई बैटरी नहीं, ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है, फाइंड द न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड हीट लॉस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन बोलता हूँ दोबारा, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड देन डिसकनेक्टेड, फुल चार्ज होने पर डिसकनेक्ट कर दिया, नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड हीट लॉस। तो देखो भाई इसका जो ये सी टू है ये सी वन है, तो सी टू का वोल्टेज कितना है, जीरो, क्यों, क्योंकि अनचार्ज्ड है। तो फाइनल चार्ज कितना होगा, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, 200 माइक्रो 20 प्लस जीरो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू जीरो जीरो, ठीक है, अपॉन 200 प्लस 100 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो काट दिया, 4300, ठीक है, 40/3 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ फाइनल चार्ज, तो सी वन वी सी, सी टू वी सी, है ना, पहले वाले पे ये, दूसरे पे ये, सी वन कितना है 200 माइक्रो इंटू 40/3, ठीक है, तो इतने माइक्रो कूलम आ गया। और सी टू वी सी 100 इंटू वी सी कितना है 40/3, है ना, माइक्रो कूलम, माइक्रो ये लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें हीट लॉस पता करनी है, तो हीट लॉस हाफ सी वन सी टू वी वन सी वन प्लस सी टू, वैल्यू रखोगे आप, और वी वन कितना है बच्चों 20 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, उसमें कॉमन पोटेंशियल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एलिमिनेट कर लिया था कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्या पढ़ा है बच्चों, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर,
देखो पहले कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि मैं ये टॉपिक आपको एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक मैंने आपको बोला था कि मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें इसकी इलेक्ट्रोसाइट्स की पिछले चैप्टर की हैं। जैसे देखो अगर मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है भाई, स्क्वायर प्लेट होती है ना इसे, मतलब पैरेलल प्लेट, स्क्वायर भी हो सकती है जैसे भी, इनका एरिया ए है, सेपरेशन कितनी है इनके बीच में, डी, तो प्लस और इधर माइनस, क्लियर है बच्चों? इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी स्टोर, पहले एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी यू बार इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब किसी भी रीजन में, किसी भी जगह, किसी भी स्पेस में यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो देखो यू बार इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिखा। अब क्वेश्चन है कि यह एनर्जी कितनी है, तो याद करो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है बच्चों, तीन फॉर्मूले है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी और क्यू वी बाई टू, आपकी मर्जी है किसका इस्तेमाल करना है। तो मान लो हमने हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर लिया, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, देखना इसने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है केवल इसके अंदर प्लेट के बीच में ऐसे, तो जहां प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो देखो वॉल्यूम कितना हुआ फिर उस रीजन का, ए इंटू डी, ठीक है, तो यू बार इक्वल टू हाफ सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर बाई ए डी, ए से ए, ठीक है, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी की जगह वी और डी का स्क्वायर है तो वी बाई डी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यू बार कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, यू बार इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्लियर है। तो ये एनर्जी आई जूल पर मीटर क्यूब, यानी कि जिस भी रीजन में आपको पता लगे कि यार यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्का वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। ये तो हमने कैपेसिटर के लिए फाइंड करी, लेकिन ये हर जगह है, ये फॉर्मूला हर जगह है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाए, चाहे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, या जिस रीजन में मिल जाए, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, देखो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला में मिल गया, यू बार मतलब एनर्जी डेंसिटी, देखो बच्चों ये हो जाएगा यू बार इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, और यहाँ एक क्यूब है बच्चों, ठीक है, क्यूब है उसकी साइड ए और ये भी ए, ठीक है, इस क्यूब के अंदर एनर्जी स्टोर बताओ, एनर्जी स्टोर इन क्यूब, देखो बच्चों इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, एनर्जी स्टोर पता करनी है, तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी इस एनर्जी में, अगर ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी आ जाएगी, नहीं भाई ये यूनिट वॉल्यूम है, मतलब वन मीटर क्यूब की एनर्जी है, अगर इसमें जो इसका क्यूब वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाएगी टोटल। तो देखो कितना है वो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। कई बार क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बताएगा, बोलेगा इस सरफेस पे एक चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, बोलेगा इसके आसपास एक क्यूब है उसमें एनर्जी स्टोर बताओ, तो बस क्या करना है आपको, जब सरफेस पे इधर ही सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखा रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, सिंगल सरफेस पे चार्ज होता है ये, तो ई की जगह ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रख दो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हुआ, अब देखो कुछ और, तो देखो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए तब क्या करेंगे उस केस में, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेल्फ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ अ शेल ऑफ अ शेल। ठीक है, जैसे ये शेल है पॉजिटिव चार्ज है बच्चे इसके ऊपर, ठीक है, तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा ना। ठीक है, शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर, अगर कंडक्टिंग है तो भले ही सॉलिड हो तो भी चार्ज सरफेस पे रहेगा। मतलब ये बात पक्की है कि सॉलिड स्फीयर और शेल अंतर होता है, शेल का मतलब होलो और कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है सॉलिड, लेकिन अगर कंडक्टिंग को भी चार्ज दिया जाए तो भी उसके सरफेस पे रहता है और शेल के तो सरफेस पे रहेगा, है ना। अब देखो इसका रेडियस आर है, हमसे पूछा जा रहा है इसके सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले कंसेप्ट को समझो, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमने तो पढ़ा है कि दो पॉइंट चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ तो अकेला चार्ज है ये, लेकिन इसे बनाने में एफर्ट नहीं लगा हुआ इस सिंबल मतलब इस सिस्टम को। आप सोचो इसके ऊपर चार्ज, अगर इसे ये ब्लास्ट हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से तो सारे टुकड़े भाग रहे होंगे, उनको ला के असेंबल करने में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल के तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे भी, एनर्जी डेंसिटी के मेथड से भी। आप सोचो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सही बात है, तो अंदर एनर्जी कितनी हुई, जीरो, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कितनी होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बच्चों रेडियली आउटवर्ड एक शेल की वजह से होता है ऐसे, तो इसका मतलब इस रीजन में इसके सरफेस से लेके पूरे यूनिवर्स में इसने फील्ड लाइन भेज रखी है, पूरे में एनर्जी होगी नहीं होगी इसकी वजह से, तो हमें वो एनर्जी पता करनी है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका है एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट, तरीके तो तीन चार है। तो देखो हमने क्या करा, इसके चारों तरफ ऐसे एक इमेजिनरी शेल ले ली, इमेजिनरी शेल, ठीक है बच्चों ऐसे, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, ठीक है, इस इमेजिनरी शेल की, ऐसे मुझे बताओ इसका एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हमने पढ़ा कि U बार मान लो एनर्जी डेंसिटी, उसमें अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल वॉल्यूम की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आज इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। देखो U बार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डी वी हो जाएगा 4πr²dr, ये कैसे हुआ भाई, कई बार कर चुका हूँ इस बात को कि एक शेल मानो, इसको शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, शेल का सरफेस एरिया होगा बच्चों 4πr² और थिकनेस कितनी है dr, ये हाँ एक बात है, नीट के बच्चे इसके डायरेक्ट रिजल्ट को देखेंगे, नीट के स्टूडेंट के लिए ये मतलब नहीं पढ़ना, उनको डायरेक्ट रिजल्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन में इतना दिमाग नहीं लड़ाना आपको। हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4πr²dr, ठीक है, तो ये du है, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हाफ इधर से करें, थोड़ा जगह बचाएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर की पावर 4πr²dr, ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, 4π/2, ठीक है 2, और ये हो जाएगा 1πr²dr, ठीक है, बता बच्चों ये वैल्यू आई। अब तुम क्या देखो कि इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो यहां सरफेस है और यहां से इन्फिनिटी तक जाना है, तो जीरो से कैपिटल आर से कैपिटल इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी भाई सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक एनर्जी है ना हर जगह, तो देखो एप्सिलॉन नॉट 4π मैं इकट्ठे लिख लेता हूं, देखो क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर को नीचे लिखूंगा, के कितना होता है 1/4πε₀ ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, देखो इसकी पावर से कटेगा और 4π आगे इधर
के स्क्वायर कर लिया सॉल्व, और देखो ये हो जाएगा आर की पावर, ऊपर जाएगा जब ये -2+1 अपॉन -2+1 आर से इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आए बात। तो देखो यू कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 4π ε₀ 1/1 r, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो गया u इक्वल टू, भाई इन्फिनिटी रखोगे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो 0 आ जाएगा भाई, अगर आप इसे करते हो तो ये ऐसे आ जाता है -1/r, ठीक है, और r टू इन्फिनिटी, तो जब 1/∞ रखोगे तो 0, फिर -(−1/r) तो ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 8π ε₀ × r। ये सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी स्फेयर की, ठीक है। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, एक कैपेसिटर होता है ना, एक आइसोलेटेड स्फेयर, और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, q² / 2c, और आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4π ε₀ r होता है ना, याद करो आइसोलेटेड स्फेयर का, तो q² / 8π ε₀ r, ये रही। तो इस तरीके से ये एनर्जी बन सकती है, क्लियर है। तो देखो बच्चों ये टोटल एनर्जी आ गई है ना। दूसरा तरीका आप और बुक्स में देख सकते हो, दूसरा तरीका होता है कि शेल पे हम थोड़ा चार्ज मान लेते हैं पहले से क्यू, फिर डी क्यू लेके आते हैं, तो वर्क डन हो जाता है DQ×V, और फिर इंटीग्रेशन करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वही वर्क एनर्जी कहलाता है। तो आज से आपको कोई कहे कि सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ शेल बताओ, तो दैट विल बी q² / 8ε₀, और ये सारी बाहर स्टोर है, अंदर नहीं है, ठीक है, सारी की सारी बाहर है। तो अगर होलोस्फेयर है तो भी यही फॉर्मूला है, और कंडक्टिंग शेल है, तो कंडक्टिंग स्फेयर है या शेल है तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, तो भी यही रहेगी, ठीक है। अब देखो देखो बच्चों क्या होता अगर हमसे पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनर्जी सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ होगा बच्चों, जहां रख देंगे वहां। तो हमें कहा, हमने बताया कि भाई स्फेयर तो है लेकिन चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली, ठीक है, रेडियस आर है और चार्ज क्यू पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो देखो पहले मैं बता दूं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी और बाहर भी है ना, हर जगह होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर भी होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बाहर भी। तो अगर मैं आउटसाइड एनर्जी कहूँ तो आउटसाइड एनर्जी अभी भी कितनी आएगी, आप इंटीग्रेट करके देख लो, q² / 8π ε₀ r, ठीक है, क्यों आएगी, आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए आर डिस्टेंस पे, आप इंटीग्रेट करो यही आएगा जो पहले था, क्योंकि पहले भी टोटल चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल पे चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, तो बाहर तो यही एनर्जी आएगी, अंदर सोचनी अब कितनी एनर्जी स्टोर है आज इसके, पहले अंदर इंटरनल 0 थी तो यहाँ पे भी एक शेल बना ला ऐसे, ठीक है, रेडियस आर थिकनेस डी आर, ठीक है, ऐसे शेल लिया आपने। तो देखो डी यू इक्वल टू वी डी वी ओ यू डी वी है ना, यू कितना होगा, 1/2 ε₀ e² और वॉल्यूम वही 4π r² dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों अंदर, 1/2 ε₀ k³ r³ × r² 4π r² dr, ठीक है। देखो 1/2 ε₀ k² q² r² 4π r² dr, ठीक है, ऐसे। अब टोटल कैलकुलेट करना है तो देखो 1/2 ε₀ q² 4π अपॉन, देखते रहो बच्चों, ये हो जाएगा k² k की जगह 1/4π ε₀ का होल स्क्वायर r की पावर 6
और ये r की पावर 4 dr। ठीक है, देखो बच्चों, अब हमें यहां से लेके यहां तक एनर्जी स्टोर पता करनी है। तो यहां पे छोटा सा सर्कल स्फीयर बनेगा और बाहर बड़ा, तो स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से कैपिटल r। ठीक है, तो u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। देखो एक ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, इसकी पावर को काट देगा, तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, आर की पावर 6, आर की पावर 5/5 आ जाएगा। सोचो स्मॉल आर की पावर 0 से आर, आर की पावर 5/5 होगा ना, तो ये आर की पावर 5/5 कर दिया डायरेक्ट। देखो बच्चों, क्यू स्क्वायर इंटू 5 × 8 ऐसे लिखा मैंने जान पूछ के, पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू मतलब आर। ठीक है, ये आ गया बच्चों, ये एनर्जी कहाँ है, इनसाइड है ना, ये इनसाइड एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितनी है बाहर और अंदर मिला के, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी इनसाइड प्लस एक्सटर्नल है ना, आउटसाइड। तो देखो इनसाइड एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाय 5 × 8 πε₀r। समझ रहे हो, क्यू मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि इजिली कैलकुलेशन हो जाए, मेरी कैलकुलेशन वैसे भी बहुत कमजोर सी है, 4 πε₀r। ठीक है, देखो कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 πε₀r, अंदर बचेगा 1 + 5 + 1, तो 6/5, तो u इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर अपॉन 5 × 8 πε₀r। ठीक है, 5 LCM 6, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 6 2 × 8 3 Q² अपॉन 20 πε₀r। ये टोटल सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी अंदर है और इतनी ही बाहर है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। तो ये दोनों बच्चों को, मतलब चाहे किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हैं, ये पता होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग में टोटल एनर्जी ये होती है और कंडक्टिंग में टोटल एनर्जी यही होती है, क्योंकि एनर्जी स्टोर केवल बाहर रहती है। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन, अब ये तो हुआ कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे दो शेल है, ठीक है, ये रेडियस आर वन, ये आर टू, ये क्यू वन, ये क्यू टू, हमसे पूछा जा रहा है, शेल है ये दोनों शेल, ठीक है शेल, मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम की सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ पूरे सिस्टम की। तो देखो यहां अब तक हमने पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी, कॉम्बिनेशन बनाए थे है ना पिछले चैप्टर में, यहां क्या करोगे ऐसे ही बिल्कुल, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, 3 एनर्जी होंगी, U1 + U2 + U12, एक इसकी अपनी, एक इसकी और एक कॉम्बिनेशन की। इसकी अपनी कितनी होगी, Q1² / 8 πε₀r, भाई सेल्फ शेल की यही एनर्जी पड़ी है ना। दूसरी कितनी होगी, Q2² / 8 πε₀r2 प्लस इसकी इनकी कितनी होगी। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, लॉजिक लगा सकते हो कि इसको हटा लो यहाँ से। ठीक है, पहले इस जगह जहाँ ये है यहाँ पे पोटेंशियल पता करो कितना है। तो मान लो पोटेंशियल V है, V1 है, इसकी वजह से यहाँ कोई चार्ज ला के रखोगे तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू वो पोटेंशियल। ऐसी हर डिस्टेंस पे, इससे इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा ना, तो पोटेंशियल सेम है, टोटल चार्ज का को मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे, तो Q1 Q2 को लाना है ना शेल के ऊपर, और पहले से वहाँ पोटेंशियल कितना है, V1 पोटेंशियल है, इस वाली शेल का पोटेंशियल है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखना, ये सेम रहेगा Q2, और पोटेंशियल कितना होगा अंदर वाली शेल की वजह से वहाँ, Q1 / 4 πε₀r होता है ना, एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/r, इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब जैसे अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, बहुत सारी किताबें एचसी वर्मा ये सब, इन सब में क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जैसे ये, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन मान लो, रेडियस आर वन है, ठीक है, और इसके दूसरा रेडियस आर टू,
इस रीजन में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इस वाले रीजन में। समझ में आया क्वेश्चन? एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन मानो और रेडियस आर वन का और फिर आर टू का, तो इस रीजन में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखो ये डी आर, ठीक है, डी आर थिकनेस, और डी आर थिकनेस में, ये डी आर थिकनेस है बच्चों, इस थिकनेस में हमें क्या पता करना है, एनर्जी स्टोर पता करनी है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। सोचो इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, तो देखो डी यू इक्वल टू डी यू इक्वल टू यू बार इंटू डी वी, यू बार के क्यू बाय आर स्क्वायर, ओह यू बार कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम होगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है बच्चों। और टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे लिखा। E की जगह क्या लिखेंगे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इमेजिनरी है बच्चों, यहाँ कोई मेटल वेटल नहीं है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से केवल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर एनर्जी। तो कितना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे, ऐसे फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और इंटू फोर पाई और आर स्क्वायर, आर फोर होगा ना, एक ये कट जाएगा डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है, तो आर वन से आर टू तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, टोटल एनर्जी आ जाएगी, इस रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों, जैसे एक लीनियर चार्ज वायर दे दिया, ठीक है, और इस पर पूरे पर चार्ज है, बोल देगा कि इस रीजन में वह एनर्जी बताओ, लेंथ एल का वॉल्यूम है। यहाँ पे भी क्या करना है, वैसे ऐसी एक सिलेंड्रिकल शेल बनानी है। अब आप ये बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं शेल वगैरह बनाने के, इसकी कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से, यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देना 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर एल इंटू डी आर इसका वॉल्यूम होगा, इंटू ये एनर्जी कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वायर की वजह से, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके किसी भी शेप देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती भाई, कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपने कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है। तो ये थी एनर्जी डेंसिटी बच्चों। अब एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कुछ प्लेट्स हैं ऐसे रखी हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है, ये प्लेट है बी और ये प्लेट है ए, चार प्लेट रखी है ऐसे पैरेलल, एक दो तीन चार ऐसे कंडक्टिंग प्लेट है, हमसे पूछा जा इनके बीच में सेपरेशन डी है, आइडेंटिकल प्लेट है, ठीक है, सेपरेशन डी है और एरिया ऑफ ईच प्लेट है ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। देखो बच्चों इन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटेंस होगी ये बताओ। देखो बच्चों क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है इसको पॉजिटिव मान लो और ये पॉइंट बी है इसको नेगेटिव मान लो, ठीक है। मतलब ये तरीका है क्वेश्चन का कि सोचो कि भाई बैटरी लगाओगे तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है, और इन सब सरफेस पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हर सरफेस पे नंबर डालना है। जो प्लेट पॉजिटिव से अटैच है वो पॉजिटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव से है वो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, फिर इधर इंड्यूस होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स मत देखना, सरफेस देखना, कौन से सरफेस कैपेसिटेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छा ये प्रैक्टिस है, जैसे मुझे तो मैं थोड़ा जल्दी बना दूंगा, लेकिन आप थोड़े सी तरीका सीख लो, हर क्वेश्चन को फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है यार 2 के सामने 3 एक सरफेस बन रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है, तो 2 के सामने 3 बना दिया,
ठीक है देखो, और 3, 4 और 5 के बीच में बन रहा है, और 3 और 4 आपस में कनेक्ट है, तो आपस में कनेक्ट है तो 4 ऐसे, और 4 के सामने 5, ठीक है समझ आया। फिर 6 और 7 के बीच में बन रहा है, और 6 और 5 एक ही है तो ऐसे, और 7, और 7 से कनेक्ट क्या है, बी, ठीक है बच्चों इस तरीके से। तो देखो एक कैपेसिटेंस ये बना, एक ये, एक ही आइडेंटिकल है, ये गैप वगैरह सब सेम है, तो 3 कैपेसिटर बने, और 7 किससे अटैच है, बी से। एयर तो और फर्स्ट सरफेस का कोई सरफेस नहीं बनना क्योंकि उनके सामने कोई प्लेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन कि सर नेगेटिव बाहर ना हो सकता है सारा अंदर वाले सरफेस पे हो, लेकिन ये तरीका सही है क्वेश्चन करने का। तो देखो 3 कैपेसिटर है सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर एक की कैपेसिटेंस सी है तो सी बाई 3 हो जाएगा, और एक की कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, और 3 है तो 3D हो जाएगा, ठीक है 3D, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3D। तो चार प्लेट है, 1, 2, 3, 4, चार प्लेट है तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर n प्लेट है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए बाय n माइनस 1 इंटू डी, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यानी कि अगर n प्लेट रखी हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। ऐसे ये वर्टिकल में रखी हो तो भी सेम है। अब कुछ और, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, बीच में बनाते हैं थोड़ा इधर, देखो ऐसे चार प्लेट रखी हैं, ठीक है वही है पैरेलल प्लेट ऐसे, और इसको आपस में कनेक्ट करा ए से, और इन दो को कनेक्ट करा बी से, ठीक है ये वायर है, प्लेट ये है बस, ये वायर है बस, ठीक है ये वायर है, और प्लेट कौन है, ये चार प्लेट ऐसे रखी हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में रखी थी। हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताओ, तो बच्चों आज भी ऐसे करो, एक को नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव, ठीक है, इससे प्लस माइनस ना भी मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। 1, 2 गैप इक्वल है, जैसे डी है ना, तो डी यहाँ, डी भी यहाँ पे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो बच्चों, देखो ए से अटैच, देखो 3 के सामने 2 जनरेट कर रहे हैं ना ये, देखो ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस, यहाँ जो जिससे कनेक्ट है वही चार्ज बनाएगा। तो ए से अटैच क्या है बच्चों, ए के सामने 3, और 3 से अटैच क्या है 2, देखो 3 के से अटैच 2, 2 बी से अटैच है, फिर 4 3 से ही अटैच है और ए से अटैच है, 4 के सामने क्या है 5, है ना, और किससे अटैच है बी से, फिर 4 से अटैच है 7, 7 से अटैच है 6, ठीक है 3 कैपेसिटर है, तो सी ए बी 3 पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों कैपेसिटेंस 3 सी नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ए एरिया है, सेपरेशन डी है, ठीक है। सोचो ये बच्चों 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में हुए ना, तो पैरेलल में हुए और इसलिए 3 सी नोट लिखा मैंने, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर मान लो देखो, अगर इसको हटा के क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया होगा, अगर एक क्वेश्चन ऐसे करा जाए, देखो जैसे ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, अब बदल दिया क्वेश्चन, ठीक है देखो बच्चों ऐसे कर दिया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बिल्कुल ऐसे ही, देखो 2 के सामने क्या बन रहा है 3, है ना, और 3 किससे अटैच है बी से, 6 से अटैच क्या है 7, 7 किससे अटैच है बी से। अब तुम्हें लग रहा है सर यहाँ पे भी तो देखो, और ये प्लस प्लस रहेगा, ठीक है
इंडक्शन अब नया आएगा ना, मतलब इस पर चार्ज माइनस माइनस ऐसे, तुम देखो 4 और 5 के बीच में बन रहा है, मान लो बना देता हूँ मैं, ठीक है, वैसे तो पता लग जाएगा आपको, मान लो 4 के सामने और 5 किससे अटैच है, ए से, तो करना जरा ये देखो, 4 और 5 आपस में अटैच हो गए, अगर ये आपस में अटैच हो गए तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ, नहीं हुआ, तो ये तो यूजलेस हो गया सर्किट, तो ये कैपेसिटर तो भाई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दो पॉइंट के बीच में, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो कैपेसिटी नहीं बनती, तो ये तो सारे एक ही जगह अटैच है, तो इसका मतलब जो असली कैपेसिटर है वो ये दो बने, 2 और 3, 6 और 7, तो कितना आ गया आंसर इसका, जब दो कैपेसिटर C0 C0 पैरेलल में हो तो क्या हो जाता है, 2C0, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 2εo A/D, क्लियर है, सोचो, ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं। कई बार क्या करता है इसी क्वेश्चन में, जैसे D है इसकी जगह 2D लिख देगा बच्चों, ठीक है, गैप बढ़ा देगा, जैसे D है 2D, तो जैसे आपने ये 2 और 3 के बीच में बनाया D वाला है ना, और सॉरी 3 इधर है 2 इधर, तो ये गैप 2D रख लेना, ठीक है, ये ऐसे, तो इसकी कैपेसिटेंस अगर इसे आप C0 बोल रहे हो तो दैट इज εo A/D है ना, तो जब गैप डबल होता है तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, 2 times of C0 यानी के सॉरी हाफ εo A/D, ठीक है बच्चों, 2D, बस ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको C1 लिख लो, इसको C2, और पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, C1 plus C2, तो εo A/D plus εo A/2D, क्लियर है, इस तरीके से। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो ऐसे लिखा, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये दो प्लेट जुड़ी हुई है और हमसे पूछ रहा है, पहले इसे कर लेते हैं, ये ए और ये बी, इन दो के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रहा है, इनिशियल क्वेश्चन है मतलब, तो पहले गैप सेम रखते हैं, फिर वो गैप बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ता, पहले ये समझो, तो देखो ए को क्या करो, ऐसे ही पॉजिटिव, बी को नेगेटिव, ये प्लस प्लस, और इसके सामने माइनस, इसके सामने बच्चों इधर क्या आएगा, माइनस, इसके सामने इधर माइनस, इधर प्लस, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस माइनस, ऐसे कर सकते हो, इंडक्शन बना सकते हो, इंडक्शन मैंने बहुत सिखाया पिछले चैप्टर में आपको। अब इसमें नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ए से अटैच कौन सी प्लेट है, 2 के सामने क्या है, 3, ठीक है, 3 से अटैच क्या है, 4, और 4 के सामने क्या है बच्चों, 5, और 5 बी से अटैच है। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है, आप ये 2-4 बार करोगे, ऐसे नंबर्स का ध्यान रखना, ऐसे डिजाइन पे ध्यान नहीं देना कि इसका डिजाइन क्या है कैसे, ये इनके नंबर्स को ध्यान से देखो, तो देखो अब ये 4 के सामने 5, और 5 बी से अटैच है, और 5 से अटैच है 6, ठीक है, और 6 के सामने क्या है बच्चों, 7, और 7 3 by 3 4 ये सब अटैच है आपस में, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस C0 C0 C0, ये दो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये तो C0 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2C0, ठीक है, अब क्या हो जाएंगे ये सीरीज में, तो इक्वलेंट क्या आ जाएगा, C0 into 2C0 upon C0 plus 2C0, तो ये हो जाएगा 2C0 by 3, क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से ये कैपेसिटेंस आ गया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने ये आज की क्लास तक मतलब इतने क्वेश्चन है, अब इसमें और कुछ जोड़ लो आप, इधर भी प्लेट रख सकते हो, इधर भी, जो तरीका बताया इससे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के डायलेक्ट्रिक वाले पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास में हम डायलेक्ट्रिक के इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चों।